केंद्रीय आम और रेल बजट से पहले हरियाणा सीएम मनोहर लाल ने सोमवार को दिल्ली में केंद्रीय मंत्रियों से चर्चा की। इस दौरान सीएम ने दिल्ली में केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल के साथ बातचीत की और केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बजट के मुद्दे को लेकर बातचीत की। दोनों केंद्रीय मंत्रियों के साथ बातचीत के बाद सीएम मनोहर लाल ने मीडिया को बताया कि उन्होंने प्रदेश के विकास के लिए 5,000 करोड़ रुपए की मांग की है, जिसमें 4 विभागों की मांग मुख्य रही। सीएम मनोहर लाल ने और क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। जी सर, टीम सर इधर उधर जा रखी है। चीफ सेक्रेटरी लेवल के लोग हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट के सब लोग मिलकर के आज अगले बजट की तैयारी के लिए लगे हैं और उसमें हर प्रदेश की बातचीत वो समझ रहे हैं कि उनको क्या आवश्यकताएं हैं, किस प्रकार के बजट की अपेक्षा है। हमने भी हरियाणा की ओर से अपनी कुछ बातें रखी हैं, विशेष तौर पर 4 विभागों के लिए विशेष अनुदान हमें दिया जाए, लगभग 5,000 करोड़ रुपए की हमने मांग की है। उसमें मुख्य तौर पर जो विभाग जिसकी अपेक्षा हमें है, तो कोविड का जो खर्च हुआ है, एक अनपेक्षित खर्चा हुआ है, लगभग 2,000 करोड़ रुपए से ऊपर का खर्च, उसमें वो हमने अपेक्षा की है कि केंद्र सबको मिले। इसी प्रकार से किसानों के लिए माइक्रो इरीगेशन के प्रोजेक्ट्स ये हम बढ़ाना चाह रहे हैं। हर खेत को पानी की योजना हमने बनाई है, जिसमें लगभग 1,000 करोड़ रुपए की अपेक्षा हमें उसमें भी है। और ऐसे ही शहरी विकास और ग्रामीण विकास, शहरी विकास में जो NCR एरिया है, NCR एरिया में बहुत विकास की आवश्यकताएं हैं, और इसी प्रकार ग्रामीण क्षेत्र में विशेष तौर पर जो हम पौंड अथॉरिटी का हमने निर्माण किया है पौंड रिजोनोवेशन के लिए, पानी की उसमें भी उपलब्धता बढ़ती है। तो ऐसे सभी प्रोजेक्ट्स को मिलाकर और कुछ छोटे बड़े प्रोजेक्ट्स मिलाकर 5,000 करोड़ रुपये की हमारी अपेक्षा है कि हमको केंद्र सरकार की ओर से मिले, ऐसा हमने विषय रखा।